सोलन के नगर परिषद में शिकायत निवारण समिति बैठक का आयोजन हुआ। समिति की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने की। इस मौके पर राजीव सैजल ने बताया कि प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच तथा जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक में ये अनुभव किया कि अधिकतर शिकायतें दैनिक जीवन से संबंधित हैं तथा यदि अधिकारी और अधिक संवेदनशीलता तथा कर्तव्य भावना के साथ कार्य करें तो इन शिकायतों का त्वरित निपटारा संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि आमजन नियमित रूप से अपनी शिकायत के संदर्भ में उचित माध्यम पर सूचना देते हैं, किंतु किन्हीं कारणों से कुछ शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि शीघ्र सुलझने वाली समस्याओं का अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा त्वरित निपटारा भी किया जाना चाहिए। उन्होंने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया कि वे विभागीय स्तर पर प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा करें और आमजन के साथ बेहतर संवाद स्थापित करें। अधिक जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि लॉकडाउन के बाद सोलन में आयोजित होने वाली शिकायत निवारण समिति की ये प्रदेश में पहली बैठक है जिसमें जिलावासी अपनी शिकायतें जिला प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं, जिनका समाधान तुरंत हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब शिकायतें बैठक में आती हैं तो सरकार और प्रशासन मिलकर उन्हें हल करने का प्रयास करती हैं और अधिकारियों को ये निर्देश भी देती है कि वे ज्यादा से ज्यादा जनहित के लिए कार्य करें। जिला शिकायत निवारण समिति की जो है वो आज बैठक रखी है और ये लॉकडाउन के बाद पूरे प्रदेश में हमारा जिला जो है वो इसमें पहल कर रहा है और ये प्रदेश की जो है लॉकडाउन के बाद पहली ऐसी बैठक जो है होने जा रही है। इसमें जो है हमारे जो पूरे जिला के जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर लोग जो दिक्कतें महसूस करते हैं तो उनको लेकर के ही ये जो है ये बैठक होती है जिसमें त्वरित समाधान जो है उनकी समस्याओं का किया जाता है। सभी विभागों के अधिकारीगण इसमें जो हैं वो मौजूद रहते हैं और इसमें जो मेंबर्स होते हैं जो कि सरकार की तरफ से इनको नॉमिनेट किया गया होता है इस कमेटी के हेतु, उनके द्वारा जो है विभिन्न मदों के अंतर्गत जो है लोगों की समस्याएं जो हैं वो उठाई जाती हैं, जनता से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको जो है उठाया जाता है और उसके लिए तुरंत जो है समाधान के लिए फिर सरकार और प्रशासन जो है वो पहल करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें जो सरकार का असली उद्देश्य है लोगों की जो शिकायतों को लोगों की समस्याओं को दूर करना, तो इस बैठक के माध्यम से जो है सरकार का ये जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है।